एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग सलमान रुश्दी की काफ़ी फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी थोड़ा हम भी मोटिवेटेड रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो फार एज मिडनाइट्स चिल्ड्रंस इज कंसर्न्ड, मतलब जहाँ तक मिडनाइट्स चिल्ड्रन का संबंध है, इट इज अर्न्ड इमिनेंस प्रेज। इसको बहुत ज़्यादा इमिनेंस, बहुत ज़्यादा प्रेज मिली है, प्रेज यानी प्रशंसा मिली है बोथ, दोनों इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। इट इज़ रिटन बाय ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट, इसको एक ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट के द्वारा लिखा गया जिनका नाम है सलमान रुश्दी। फिर आगे है लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में सलमान रुश्दी जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, यूनाइटेड किंगडम में। ही इज़ इन डिफरेंट टू द लिटरेरी फैशन, और वो क्या कहते हैं, मतलब लिटरेरी फैशन में ऑफ द वेस्ट। यूनाइटेड किंगडम में रहते थे फिर भी जो एक वेस्ट का जो कल्चर आ रहा था लिटरेरी साहित्य को लेके, इंग्लिश लिटरेचर को लेके, उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते थे, मतलब उस चीज़ से बिल्कुल वहाँ वेस्ट वाले लिटरेरी फैशन से बिल्कुल अलग थे। एंड शो इस वजह से, इसलिए राइट्स मोस्टली ऑन द सोशल पॉलिटिकल, इसलिए वो मोस्टली मतलब प्रायः लिखते थे सोशल यानी सामाजिक पॉलिटिकल राजनीतिक इश्यू मुद्दे पे ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया जो महादेश है उसके मुद्दे पे लिखते थे। फिर आगे है मिडनाइट चिल्ड्रन इज ए नॉवेल, मिडनाइट चिल्ड्रन जो है एक नॉवेल यानी उपन्यास है, अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल किया गया स्वतंत्रता के लिए उसके ऊपर मतलब नॉवेल है। उसके बाद है द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसके ऊपर ये नॉवेल है। द होलोकॉस्ट ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन यानी जो बंटवारा किया गया, इंडिया तो बहुत बड़ा था उसको बहुत छोटे छोटे भागों में बांटा गया, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब अलग किया गया इंडिया से। तो वो जो होलोकॉस्ट था उस टाइम का, मतलब सर्वनाश या जो प्रलय आया हुआ था पार्टीशन का ऑफ इंडिया के, इंडिया के बंटवारे का, हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द रियलिस्टिक मैनर, एक वास्तविक तरीके से प्रेजेंट किया गया है इन दिस नॉवेल, इस नॉवेल में। द नॉवेल वॉन मैनी अवार्ड्स, नॉवेल को ढेर सारा अवार्ड मिला, इंक्लूडिंग शामिल है द बुकर प्राइज अवार्ड मिला एंड बुकर्स ऑफ द बुकर्स प्राइज, और बुकर्स ऑफ द बुकर प्राइज भी इस नॉवेल को मिला है। फिर आ गया मिडनाइट चिल्ड्रन वॉज पब्लिश इन 1981, इसको पब्लिश किया गया था 1981 में, एंड द नॉवेल वॉज नेम्ड एज मिडनाइट चिल्ड्रन, और नॉवेल का जो नाम रखा गया मिडनाइट चिल्ड्रन रखा गया बिकॉज द हीरो ऑफ द नॉवेल, क्योंकि जो नॉवेल का हीरो है सलीम वॉज बॉर्न ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट्स की, स्ट्रोक यानी मिडनाइट्स के स्ट्रोक यानी मिडनाइट्स के टाइम या मिडनाइट्स का प्रहर बोल सकते हैं कि प्रहर मिडनाइट्स आधी रात के प्रहर सलीम का जन्म हुआ था, ठीक है, जो हीरो है इस नॉवेल का। द नॉवेल इज ऑफन रिगार्डेड एज ऑटोबायोग्राफिकल पीस, ऑटोबायोग्राफिकल पीस के रूप में भी जाना जाता है ऑफ फिक्शन, मतलब एक ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन उपन्यास के रूप में, बिकॉज क्योंकि बोथ द हीरो ऑफ द नॉवेल सलीम, क्योंकि जो दोनों हैं मतलब हीरो जो है नॉवेल का सलीम एंड राइटर, और जो राइटर यानी लेखक है रुश्दी, वेयर बॉर्न इन द सेम पार्ट ऑफ सिटी, वो सिटी सेम सिटी के सिटी मुंबई, मुंबई जो शहर है उसके सेम पार्ट में दोनों का जन्म हुआ एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे हुआ, इस वजह से उसको ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी माना जाता है। मिडनाइट और आधी रात को हुआ था पोएट का भी जन्म। द थीम ऑफ दिस नॉवेल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बांग्लादेश लिबरेशन, बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट यानी बांग्लादेश को जब अलग किया गया, बांग्लादेश का जो भी मुक्ति के लिए किया गया अलग, जो उस टाइम मूवमेंट आंदोलन चल रहा था उससे रिलेटेड है, एंड इमरजेंसी इन इंडिया, इंडिया में जब इमरजेंसी लागू किया गया था उन सबसे रिलेटेड है ये जो नॉवेल का थीम है। द नॉवेल कवर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ थ्री जनरेशन, नॉवेल थ्री जनरेशन तीन पीढ़ियों की कहानी एक्सपीरियंस को बताता है, ऑफ ए शिनाई फैमिली, शिनाई फैमिली के तीन पीढ़ियों की कहानी को बताता है, लिविंग इन श्रीनगर जो कि श्रीनगर में रहते थे, अमृतसर में एंड आगरा, एंड देन इन बॉम्बे, फिर बॉम्बे में भी, एंड फाइनली माइग्रेशन टू कराची, और फाइनली अंत में वो लोग कराची चले जाते हैं। फिर आगे द प्रोटैगोनिस्ट सलीम,
शिनाई, जो सलीम शिनाई जो हम लोग का मेन हीरो है इस नॉवेल का, प्रोटैगोनिस्ट है, हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। वो खुद ही नरेटर है इस कहानी का, मिडनाइट चिल्ड्रन का, मतलब वो खुद सुना रहा है ये कहानी। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1947। अब जो सलीम शिनाई है उसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 15 अगस्त 1947, मतलब जिस दिन हमारा जो इंडिया है आजाद हुआ था उसी दिन जन्म हुआ, एट द टाइम व्हेन इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों से जब इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त के रात को, मतलब जैसे मिली थी, तो उसी टाइम क्या मतलब ये जो है सलीम का बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, सलीम फील्स एज इफ ही इज डाइंग। सलीम को अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मरने वाला है। सो ही डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ टू हिज लवर पद्मा। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपने लाइफ की कहानी जो है अपनी लवर पद्मा को सुनाएगा। सलीम बिगिंस द स्टोरी विद द ग्रैंड फादर आदम अजीज। सलीम जो कहानी शुरू करता है अपने ग्रैंड फादर, मतलब अपने दादाजी आदम अजीज से करता है इन 1915। आदम हैज रिटर्न टू कश्मीर 1915 में आदम जो है कश्मीर वापस आए थे आफ्टर स्टडिंग मेडिसिन इन जर्मनी, मतलब जर्मनी से मेडिसिन की पढ़ाई, मतलब डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के बाद वो वापस आए थे। कौन? सलीम के दादाजी आदम अजीज। बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते आदम इज केयरिंग फॉर वुमेन नेम्ड नजीम। आदम क्या कर रहा था, मतलब केयर कर रहा था, ध्यान दे रहा था, ध्यान रख रहा था एक औरत का जिसका नाम है नजीम। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रीटिंग नजीम, मतलब काफी सालों तक नजीम को ट्रीट करने के बाद, आदम फॉल इन लव्स विद हर। आदम को उससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। आदम मैरिज नजीम, आदम शादी कर लेता है नजीम से एंड मूव्स टू आगरा। उसके बाद क्या करता है, आगरा चला जाता है। आफ्टर हैविंग 3 डॉटर्स, मतलब 3 बेटी एंड 2 सन्स, मतलब 3 बेटी और 2 बेटा होने के बाद, आदम बिकम्स ए फॉलोअर ऑफ एन एक्टिविस्ट, एक कार्यकर्ता है उसका, एक मतलब फॉलोअर बन जाता है आदम, नेम्ड मियाँ अब्दुल्ला। उस कार्यकर्ता का नाम था मियाँ अब्दुल्ला, का फॉलोअर बन जाता है आदम, मतलब कौन, जो प्रोटैगनिस्ट है हम लोग का सलीम, उसके दादाजी। आफ्टर द डेथ ऑफ मियाँ अब्दुल्ला, मियाँ अब्दुल्ला के डेथ के बाद आदम एग्री टू सेल्टर, आदम एग्री हो जाता है सेल्टर के लिए, आवास देने के लिए, मियाँ सेक्रेटरी नादिर खान, मतलब मियाँ जो वो अब्दुल्ला था उसका एक सेक्रेटरी था नादिर खान, उसको आवास देने के लिए रेडी हो जाता है इन हिज बेसमेंट, अपने बेसमेंट में। अब बेसमेंट क्या होता है ना, बेसमेंट तहखाना होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग का जैसे ग्राउंड लेवल पे घर होता है, ये ग्राउंड है तो इस पे घर बनाया जाता है, तो इस ग्राउंड लेवल के नीचे भी रूम बनाया जाता है, तो उसी को बेसमेंट कहा जाता है, तहखाना कहा जाता है। तो वही बेसमेंट में मतलब नादिर खान को रहना अलाउ कर देता है, क्योंकि नो डाउट ये मियाँ अब्दुल्ला का सेक्रेटरी था इस वजह से। अल्टीमेटली नादिर खान एंड आदम्स डॉक्टर मुमताज फॉल इन लव। और यहाँ क्या होता है, नादिर खान और मुमताज की और आदम की जो बेटी है मुमताज, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। द कपल मैरिज इन सीक्रेट, ये दोनों कपल शादी भी कर लेते हैं सीक्रेट में सबसे छुपा के, बट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ आदम, इसके बाद 2 साल बाद आदम को पता चलता है, आदम डिस्कवर्ड दैट, आदम को पता चलता है दैट हिज डॉटर इज स्टिल ए वर्जिन, कि उसकी डॉटर अभी भी एक वर्जिन है। आदम इज आउटरेज्ड एंड नादिर फ्लीज फ्रॉम द हाउस। आदम अब यहाँ पे बहुत गुस्सा करता है और ये नादिर क्या करता है, वहां घर से उस टाइम भाग जाता है। शॉर्टली आफ्टर मुमताज मीट्स अहमद शिनाई, और उस समय के बाद, उसके कुछ समय बाद जो है ना, मुमताज किससे मिलती है, अहमद शिनाई से मिलती है। मुमताज रीमैरिज अहमद शिनाई, मुमताज अब दोबारा, पहले शादी की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो दोबारा शादी करती है अहमद शिनाई से एंड डिसाइड्स टू चेंज हर नेम टू अमीना शिनाई, और डिसाइड करती है कि अपना नेम चेंज करके अमीना शिनाई कर लेगी। सी एंड हर हस्बैंड मूव टू दिल्ली, वह और उसके जो हस्बैंड है दोनों दिल्ली चले जाते हैं। अमीना इज सून प्रेग्नेंट, अमीना अब प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब अब मुमताज का नाम चेंज होके अमीना आ गया है, तो ये प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड विजिट ए फॉर्चून टेलर, एक फॉर्चून यानी भविष्य बताने वाले के पास जाती है, टू लर्न अबाउट द फ्यूचर चाइल्ड, अपने फ्यूचर चाइल्ड मतलब प्रेग्नेंट है तो जो बच्चा आने वाला है उसके बारे में जानने के लिए जाती है। द प्रोफेसी अबाउट हर चाइल्ड स्टेट, उसके चाइल्ड के बारे में जो प्रोफेसी भविष्यवाणी की जाती है, दैट कि ही विल नेवर बी ओल्डर और यंगर देन हिज कंट्री, कि वो ना तो अपनी कंट्री से छोटा होगा ना बड़ा होगा, ऐसा प्रोफेसी करता है वो फॉर्च्यून टेलर, भाग्य बताने वाला। ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है विथ अहमद फैक्ट्री,
बींग बर्नड बाय टेररिस्ट, अहमद की फैक्ट्री मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से टेररिस्ट के द्वारा जला दी जाती है। द फैमिली मूव्स टू बॉम्बे, ये जो पूरा फैमिली है मतलब कहाँ चला जाता है, बॉम्बे चला जाता है। कौन कौन? अहमद और अमीना इन बॉम्बे। अब बॉम्बे में मुमताज एंड अहमद, फिर से यहाँ मुमताज यूज किया गया, आप अमीना भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अहमद बाय ए हाउस, एक घर खरीदते हैं फ्रॉम एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज से, नेम्ड विलियम मैथवर्ल्ड, विलियम मैथवर्ल्ड से एक घर खरीदते हैं। वन ऑफ देयर नेबर्स नेम्ड, एक मतलब नेबर्स था उनका, पड़ोसी था, नेम्ड वी विले विंके, हु लिव्स विथ हिज प्रेग्नेंट वाइफ, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ रह रहा था, वनीता, उसकी वाइफ का नाम था वनीता। वनीता हैड एन अफेयर विथ मैथवर्ल्ड, वनीता का अफेयर था मैथवर्ल्ड, विलियम मैथवर्ल्ड, जिससे ये लोग घर खरीदा था अहमद और मुमताज, तो उन्हीं का, उन्हीं से वनीता का अफेयर था। एंड ही इज द फादर ऑफ चाइल्ड, और वनीता जो प्रेग्नेंट है वो मतलब मैथवर्ल्ड के बच्चे से ही है। मुमताज एंड वनीता गो इनटू लेबर, मतलब ये लोग को पेन शुरू होता है, लेबर पेन जो बर्थ के पहले शुरू होता है बेबी के, एंड हैव देयर चाइल्ड एट मिडनाइट, और दोनों को मतलब अपना अपना बच्चा होता है मिडनाइट, आधी रात को। एज द बेबीज ले इन द मैटरनिटी, अब जो बेबीज हैं मैटरनिटी में रखे हुए हैं, मैटरनिटी मतलब क्या हो जाता है ना, वो रूम जहाँ पे मतलब बेबी का बर्थ होता है, मैटरनिटी वार्ड में रखे होते हैं, तो छोटे छोटे बेबी वहाँ पे ढेर सारे रखे होते हैं, तो उसी मैटरनिटी वार्ड में रखे हुए थे। द मिडवाइफ, मिडवाइफ क्या हो जाती है, एक नर्स हो जाती है, या तो फिर आप बोल सकते हो जो डॉक्टर की हेल्प करती हो या जो बच्चों की देखभाल करती हो, तो वो जो मिडवाइफ है क्या करती है, मैरी परेरा स्विचेज द नेम टैग्स, नेम टैग बदल देती है बच्चों का। सलीम इज नोट ट्रूली, सलीम जो है इज नोट ट्रूली द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ मुमताज एंड अहमद, सलीम जो कि मतलब चेंज होके, ये सलीम जो है मुमताज और अहमद का बायोलॉजिकल रियल बेटा नहीं है, क्योंकि ये क्या कि ये मैरी परेरा जो है बच्चा को चेंज कर दी नेम टेक, तो इस वजह से ये जो सलीम जो कहानी सुना रहा है वो अपने माँ बाप का रियल बेटा नहीं है। बट ऑफ वनीता एंड मैथवर्ल्ड, लेकिन वो क्या है, सलीम वनीता और मैथवर्ल्ड का बेटा है, क्योंकि इन्हीं के बेटे से चेंज हुआ था सलीम। द मिडवाइफ बिकम्स सलीम्स नैनी आउट ऑफ गिल्ट, और यही गिल्ट की वजह से, अपने अंदर एक होता है ना कि हम कुछ गलत किए, वो गिल्ट की वजह से ये मिडवाइफ जो थी मतलब जो नर्स के रूप में थी एक, वो क्या बन जाती है, नैनी बन जाती है, दाई बन जाती है, बच्चों की देखभाल करने वाली बन जाती है सलीम की। सलीम इज स्ट्रेंज लुकिंग, सलीम थोड़ा अजीब दिखता था, विथ ए कुकुम्बर शेप्ड नोज, मतलब कुकुम्बर के जैसा उसका नोज था, काफी थोड़ा लंबा था, एंड ब्लू आईज, और उसकी आंखें जो थी ब्लू थी। वन डे, एक दिन सलीम इज पनिश्ड फॉर हिडिंग आउट इन द बाथरूम, एक दिन सलीम को पनिश किया गया बाथरूम में छुपने के कारण, वेयर हिज मदर वॉज चेंजिंग हिज क्लॉथ, जहां उसकी माँ कपड़ा चेंज कर रही थी, तो उस वजह से सलीम को पनिश किया गया। शी फोर्सेज हिम टू बी साइलेंट फॉर ए डे, शी फोर्सेज मतलब उसकी माँ जो उसको बोलती है, क्या बोलती है, बी साइलेंट मतलब एक दिन के लिए साइलेंट रहने, फॉर ए डे, डे के लिए। वेयर इन ही नोटिसेज ही कैन हियर द थॉट्स ऑफ अदर, और इसी समय जब वो एक दिन के लिए चुप रहता है पनिशमेंट की वजह से, तो उसको फील होता है सलीम को क्या कि वो दूसरों के थॉट्स को सुन सकता है। अल्टीमेटली ही रियलाइजेस, और फिर ये भी इसको रियलाइज होता है, ही कैन ऑल्सो हियर द थॉट्स ऑफ दोज चिल्ड्रेन, कि वो उन बच्चों के थॉट्स को भी सुन सकता है, बॉर्न इन द सेम आवर, जो कि सेम आवर में जन्म लिए, एज हिम उसके ही तरह, शिवा द चाइल्ड विथ हुम, मतलब शिवा जैसे, मतलब शिवा जो है ना उसका भी जन्म उसी टाइम हुआ था, जो कि हम बताएं जो कि रियल बेटा है सलीम, जो रियल बेटा है अहमद और मुमताज का, तो शिवा का जो थॉट था ना वो सुन सकता था, कौन, सलीम, द चाइल्ड विथ हुम ही हैज स्विचेज, जिसके वैसा बच्चा मतलब शिवा के साथ ही स्विच किया गया था इसको, तो यहीं पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि जिस बच्चे के साथ डेफिनेशन मतलब चेंज किया गया उसके थॉट को भी सुन सकता था। एट बर्थ इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड गिफ्टेड इन फाइटिंग, और ये जो शिवा था वो भी क्या था, बर्थ से ही फिजिकली स्ट्रांग था, और मतलब उसको फाइटिंग में कुछ लड़ाई में मतलब गिफ्ट मिला हुआ था, मतलब हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता थी जो भी उस मिड नाइट में बच्चे जन्म लिए थे मिड नाइट आवर में। सलीम लूजेज ए पार्ट ऑफ हिज फिंगर, अब सलीम का एक फिंगर का एक पार्ट थोड़ा मतलब कट जाता है, एंड
इज रश टू द हॉस्पिटल, और दौड़ के ये लोग सब हॉस्पिटल की तरफ जाता है. व्हेन द डॉक्टर ऑब्टेन हिज ब्लड, डॉक्टर जब उसका ब्लड टाइप लेते हैं, इट इज रिवील्ड दैट, या रिवील होता है उस टाइम, सलीम कैन नॉट बी अहमद एंड मुमताज बायोलॉजिकल सन, कि सलीम जो है अपना बच्चा नहीं है मुमताज और अहमद का. ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है जब इसका हाथ कटता है और ब्लड का सैंपल लिया जाता है. सलीम नैनी, सलीम की जो नैनी है, जो कि हम बताएं कि मैरी परेरा इसकी नैनी बन जाती है, आया या दाई जो भी बोलिए, एडमिट्स, यहाँ पे ये स्वीकार करती है, सी स्विच्ड द टू बॉयज एट बर्थ, कि वो मतलब यहाँ पे स्वीकार कर लेती कि वो दो बच्चों को चेंज की थी बर्थ के टाइम ही. अहमद नाउ एन एल्कोहलिक, अहमद जो कि अब एल्कोहलिक है यानी ड्रिंक करता है, बिकम्स वॉयलेंट, काफी मतलब गुस्सा हो जाता है, मतलब अपने गुस्सा को एक्सप्रेस करने लगता है अपने एक्शन के थ्रू. प्रॉम्प्ट्स अमीना टू एट हियरिंग द न्यूज, और यह न्यूज सुनने के बाद, मतलब यह न्यूज सुनने के बाद क्या करता है अहमद, वॉयलेंट हो जाता है, विच प्रॉम्प्ट्स अमीना, जिस वजह से अमीना डिसाइड करती है, मतलब इस चीज के लिए राजी हो जाती है, टू टेक सलीम एंड हिज सिस्टर, कि सलीम और उसकी जो बहन है, टू रिसेंटली क्रिएटेड नेशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो सलीम और उसकी बहन को रिसेंटली जो क्रिएट किया गया है कंट्री पाकिस्तान, वहां ले जाएगी, टू लिव विथ हर सिस्टर, मतलब अपनी सिस्टर के साथ रहने के लिए. सलीम्स सिस्टर बिकम्स ए फेमस सिंगर इन पाकिस्तान, और यहाँ पे क्या होता है, सलीम की सिस्टर जो है पाकिस्तान जाने के बाद एक फेमस सिंगर बन जाती है. अहमद सफर से हार्ट अटैक, अब अहमद को एक हार्ट अटैक आता है, सो अमीना, अमीना इट मीन्स मुमताज एंड द चिल्ड्रेन रिटर्न टू बॉम्बे, ये सब रिटर्न होके बॉम्बे आ जाते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय सलीम्स नोज बिकम्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, सलीम के नोज में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उसका नोज तो पहले से ही अजीब था, तो अब प्रॉब्लम आ गया, ब्लॉक हो गया, पूरी तरह बंद हो गया. व्हेन ही हैज एन ऑपरेशन, जब उसके नोज का ऑपरेशन होता है, टू फिक्स द इशू, जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के लिए, ही लूजेज हिज टेलीपैथिक पावर. टेलीपैथिक पावर मतलब उसके पास जो पावर था, वो दूसरे के थॉट को सुन सकता था, वो चीज वो खो देता है. बट गेन्स एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन उसको एक दूसरा सेंस मिल जाता है, सेंस ऑफ स्मेल मिल जाता है, मतलब कोई भी चीज वो सूंघ सकता था. ही कैन इवन स्मेल इमोशंस, यहाँ तक कि इमोशंस को भी, मतलब दुख है कोई इंसान खुश है तो वो चीज को भी सूंघ के बता सकता था. आफ्टर इंडिया लूजेज ए वॉर टू चाइना, अब इंडिया जब चाइना से युद्ध हार गया, वॉर हार गया, द फैमिली मूव्स बैक टू पाकिस्तान, फिर से ये पूरी फैमिली पाकिस्तान चली जाती है. देयर हिज एंटायर फैमिली इज किल्ड, वहां पे इनके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है. सेव हिज सिस्टर, जिसमें इसकी सिस्टर बच जाती है. उसके बाद आ गया सलीम लूज हिज मेमोरी आफ्टर बींग हिट इन हेड, मतलब सलीम भी अपना मेमोरी जो है याददाश्त खो देता है, एक मतलब हिट मिलता है, मतलब एक सिर पे चोट लगने की वजह से. ही इंड्स अप इन द आर्मी, वह खुद को आर्मी में पाता है. अल्दाव ही इज नॉट श्योर हाउ ही इंडेड अप देयर, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि कैसे वो आर्मी में पहुंचा, लेकिन खुद को वो आर्मी में पाता है. ही एस्केप्ड इन टू द बांग्लादेश जंगल, वो बांग्लादेश के जंगल में भाग जाता है. एंड ही रीयूनाइट विथ वन ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और यहाँ पे फिर से वो एक वन ऑफ मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मतलब जैसे उसका जन्म हुआ था मिडनाइट्स में 15 अगस्त वाले दिन, उसी आवर में जन्मे एक बच्चे से मिलता है नेम्ड पार्वती, जिसका कि नाम पार्वती है. सी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, वह उसे शादी करना चाहती है, विच ही रिफ्यूजेज टू डू, लेकिन सलीम जो है ये मना कर देता है. शी देन हैज एन अफेयर विद शिवा, अब जो पार्वती है उसका अफेयर शिवा के साथ हो जाता है. एंड बिकम्स प्रेगनेंट, और ये प्रेगनेंट भी हो जाती है शिवा, एंड बिकम्स प्रेगनेंट हो जाती है विथ हिज चाइल्ड, मतलब शिवा के बच्चे से प्रेगनेंट हो जाती है. सलीम एग्रीज टू मैरी नाउ, अब सलीम उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाता है प्रेगनेंट पार्वती से, क्योंकि ये जो है ना शिवा उसको रिजेक्ट कर देता है जब प्रेगनेंट होने के बाद, तो ये सलीम राजी हो जाता है. एट द सेम टाइम, और इसी टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है ऑफ इंडिया, कैंपेन इन द कंट्री, एक कैंपेन शुरू करती है, अभियान चलाती है. ड्यूरिंग दिस पार्वती, इसी दौरान पार्वती एंड मैनी अदर्स मिडनाइट्स चिल्ड्रन डाए, मतलब ढेर सारे जो मिडनाइट्स बच्चे जो उस टाइम जन्मे थे, जिनमें कुछ ना कुछ मतलब स्पेशलिटीज थी, कुछ विशेषता थी, वो सब मतलब कुछ आदमी वहां उस टाइम मारे जाते हैं अंडर द टॉर्चर. अब टॉर्चर के अंदर सलीम सीयर्स द नेम्स ऑफ रेस्ट ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन, सारे मिडनाइट चिल्ड्रन का बता देता है नाम, क्योंकि नो डाउट सलीम के पास सेंस था ना, मतलब उसको पता था कि कौन कौन बच्चे हैं जो उस टाइम जन्मे हैं मिडनाइट में. Who are also
उनको क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज यानी उसके बाद क्या होता है ना कि एक कैंपेन चलाया गया था ताकि मतलब क्या हो, उसके बाद कोई भी जो है ना इंसान आगे मतलब बच्चा पैदा ना कर सके, उसके जो रिप्रोडक्शन पावर है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये करवाया गया सबका। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर कॉल्स एन इलेक्शन, अब जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आया, हाउएवर सी लूजेस, हालांकि वो हार जाती है, द मिड नाइट चिल्ड्रेन आर फ्रीड, उसके बाद मिड नाइट चिल्ड्रेन फ्री हो जाते हैं। सलीम फाइंड्स पार्वती सन, अब सलीम पार्वती तो मर गई, तो सलीम को पार्वती का बेटा मिलता है। दे गो टू बॉम्बे, वे दोनों बॉम्बे जाते हैं वे लोग। एंड सलीम्स डिस्कवर दैट, और सलीम को यहाँ पता चलता है दैट मैरी परेरा, जो मैरी परेरा मतलब जो दाई थी जो उसको एक्सचेंज की थी, नाउ वर्क्स एट ए चटनी फैक्ट्री, एक चटनी फैक्ट्री में काम कर रही है इन बॉम्बे, बॉम्बे में ही ज्वाइंस है, वह उसको ज्वाइन करता है मतलब वहां जाता है। एंड मिट्स पद्मा इन द फैक्ट्री, और उसी फैक्ट्री में पद्मा से मिलता है, पद्मा जिसको कि वो शुरू में कहानी सुना रहा है। ही डिसाइड्स, वह तय करता है टू मैरी हर, उसे शादी करने का पद्मा से। बट इट्स सर्टन, लेकिन जो निश्चित है डेट ऑन हिज 31st बर्थ, कि वो अपने 31st बर्थ वाले दिन, द एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जिस दिन इंडिया के इंडिपेंडेंस का एनिवर्सरी भी था, ही विल डाई, क्या होता है वो मर जाता है। तो ऐसा ही होता है, और वो मर जाता है एंड में, तो और उसकी शादी भी नहीं पाती है पद्मा से। तो यहाँ पे ये नॉवेल खत्म होता है। नॉवेल आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर समझ में आया आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मुझे आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।